Hello and very good morning to all the beautiful people out there. Welcome to another episode of Carva. आज हमने चेकआउट कर दिया है. सुबह हमने प्लान किया था कि 5 बजे निकल जाएंगे, बट लेट हो गए हैं. अभी 7:30 बज रहे हैं क्योंकि उठ नहीं पाए. सो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, आगरा टू जयपुर. और बीच में हमने प्लान किया है कि हम एक भरतपुर सेंचुरी पड़ती है, फतेहपुर सीकरी भी जाएंगे. सो लेट्स सी आने वाली जर्नी आगे की कैसी होती है. अभी तक तो काफ़ी एक्साइटिंग थी. वी होप कि आगे भी अच्छी हो. और अगर आपको हमारा एपिसोड या सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे के जो भी एपिसोड्स हों वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मिस ना करें. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. अभी बेसिकली सुबह के 9 बजे हैं और हमको आगरा से निकले हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गए. तो अभी हम फतेहपुर सिकरी फोर्ट में रुके हैं. तो यहाँ पर बेसिकली आपको पार्किंग करनी पड़ेगी, और पार्किंग के बाद यहाँ पर आगे से CNG की बस, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सिकरी, वहाँ आपको लेके जाएगी. तो अभी तो इतना ही है, देखते हैं आगे क्या है. फतेह मोहम्मद है, हम इनके साथ हैं आज, और ये हमारे गाइड है आज. और वहाँ से फिर गवर्नमेंट की जो बस है वो 10-10 रुपये लेती है और आपको फतेहपुर सीकरी के मेन गेट पर पहुँचाएगी. और बाकी का जो भी सफ़र होगा, जो भी इतिहास है, वो हम सर के साथ आगे अभी दिखाएंगे. फतेहपुर सीकरी का बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर ये पहाड़ी पर आ गए हैं हम लोग. ओके. और पहाड़ी के नॉर्थ साइड में नीचे गाँव है जिसको बोलते हैं सीकरी, और साउथ में है फतेहपुर. सीकरी बहुत पुराना, यहीं पर अकबर बादशाह आए थे. लेकिन क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ी के अंदर एक बाबा रहते थे, हज़रत शेख सलीम चिश्ती. ओके. हज़रत शेख सलीम चिश्ती के पास अकबर हिंदू रानी जोधाबाई को लेकर आए, क्योंकि उनकी पहली रानी थी रुकैया बेगम, उनको 2 लड़कियाँ थीं. तो उनकी दुआओं से हिंदू रानी जोधाबाई को एक लड़का हुआ, जिसका नाम रखा मोहम्मद सलीम. ये 1569 में हुआ था. और यहाँ फिर उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाना शुरू किया, उस बच्चा पैदा होने की खुशी में. तो ये जो है 1570 से 1570 टू 1582 कंप्लीट किया गया है फोर्ट. 13 साल लगभग लगे इसमें बनाने में. और इसके बाद में जब बन गया तो 1582 टू 1586 ये राजधानी था फतेहपुर सीकरी का. इसके बाद इस जगह को छोड़कर गए थे, लाहौर किला बनाया वहाँ, और वहाँ से कश्मीर को जीता. जब कश्मीर जीत लिया तो वापस आगरा आए थे, न कि फतेहपुर. तो आगरा में दोबारा शिफ्ट हुए. तो पहली राजधानी आगरा थी, दूसरी फतेहपुर, तीसरी लाहौर, फिर लास्ट में आगरा. वहीं पर उनका डेथ हुआ, आगरा फोर्ट में, और उनको दफनाया. सिकंदरा नाम की जगह आगरा में है, नॉर्थ कॉर्नर पर, जहाँ से NH2 हाईवे दिल्ली जाता है. अच्छा, ये सामने का एरिया जो है वो दीवाने आम है. वो जाली में राजा बैठते, अंदर से आते थे. यहाँ पब्लिक के लोग होते, ऐसा गार्डन नहीं था उस ज़माने में. और यहाँ पर एक पत्थर दिख रहा है, यहाँ अकबर का हाथी बांधा जाता था. अच्छा. हाँ, जो कोई बड़ी सज़ा मिलती थी, सजाए मौत, तो ये हाथी के द्वारा उसको, जो भी अपराधी होता था, यहाँ पर कुचलवा के मरवा दिया जाता था. Okay. अब हम चलेंगे एंट्रेंस पर, वहाँ आप टिकट शो करेंगे और उसके बाद फिर दीवाने खास देखेंगे.